वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम लोग फिर से आ गए हैं पुराने सोफे पुराने टेबल लेकिन एक नए लैपटॉप के साथ। दोस्तों आज हमारे पास है एचपी का प्रो बुक, और दोस्तों ये मैकबुक की कॉपी करने की कोशिश करी गई है बहुत बढ़िया तरीके से, और मैकबुक के जैसा ही बनाने की कोशिश करी गई है। पर आज जानते हैं इसके फुल रिव्यू में कि ये कितना सक्सेसफुल हुए हैं और कितना बना पाए हैं इसको मैकबुक जैसा। चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात कर लेते हैं इसके डिस्टिंक्टिव फीचर की। दोस्तों ऐसे फीचर जो केवल आपको इसी लैपटॉप में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें आपका सबसे अच्छी चीज़ जो सबसे अच्छा डिस्टिंक्टिव फीचर है इसका, वो है इसका आपका बैटरी बैकअप। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको नॉर्मल 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, क्योंकि वैसे भी एक बिजनेस लैपटॉप है और बिजनेस लैपटॉप में ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है नॉर्मल केसेस में। तो इसमें भी आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल जाता है। नॉर्मल यूजर पे मुझे 5-6 घंटे के अराउंड इसका बैटरी बैकअप मिल जाता है, जो कि नॉर्मल उसके मुकाबले नॉर्मल लैपटॉप्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। मैंने ASUS का लैपटॉप रिव्यू किया था, उसमें मेरे को करीब 2 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, और उसमें एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड भी है तो आप उस पर थोड़ा और अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों दूसरी चीज़ इसमें जो आपको देखने को मिलती है वो है, क्योंकि HP का लैपटॉप है तो इसमें आपको कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता है, कोई भी आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिलता है। जैसे ASUS का लैपटॉप था, ASUS का लैपटॉप जब मैंने रिव्यू किया था तो उसमें इनबिल्ट ASUS के कई सारे एप्लीकेशंस थे, उनके साउंड मैनेजमेंट के लिए, उनके फैन मैनेजमेंट के लिए और बैटरी मैनेजमेंट के लिए, तो कई सारे अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन थे और काफ़ी गड़बड़ भी कर देते थे वो लैपटॉप में। गड़बड़ ये होती थी कि जैसे मैंने देखा था कि उसमें आपका क्या होता था कि जैसे ही आप अपना साउंड उनके सॉफ्टवेयर से एडजस्ट करते हैं तो साउंड को अपने आप बहुत ज़्यादा लो कर देता था, लेकिन बाद में मैंने उसको वो सॉफ्टवेयर डिसेबल कर दिया और उसके बाद साउंड उसका फिर से बहुत अच्छा हो गया। लेकिन इसमें आपको इस टाइप के कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती है, कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता है। ये इसकी दोस्तों बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर है और बहुत ही अच्छी चीज है। तो दोस्तों इसमें जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको नॉर्मल फीचर्स हैं, जो आपको बाकी सारे लैपटॉप में भी देखने को मिलते हैं इसी रेंज के, बल्कि इससे थोड़ा नीचे रेंज में भी देखने को मिलते हैं। और जैसे आपका हो गया इसमें i5 8th gen आपको प्रोसेसर मिलता है इंटेल का, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और साथ में इसमें आपको मिलती है DDR4 8GB RAM। ये भी आपको बाकी सारे लैपटॉप्स में लगभग यही कन्फिग्रेशन देखने को मिलती है। और इसके साथ ही इसमें आपको मिलता है दोस्तों इंटेल का 620 UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता है, क्योंकि वैसे भी ये बिजनेस लैपटॉप है, ज़्यादातर बिजनेस यूजेज के लिए इस्तेमाल है, तो इसलिए इसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता है, जिससे आप गेमिंग वगैरह कर पाए। तो गेमिंग वगैरह के लिए अगर आपको चाहिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा लैपटॉप नहीं है, आप इस पर गेमिंग वेमिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नॉर्मल बिजनेस यूजेज के लिए चाहिए तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, आप काफ़ी अच्छे अपने बिजनेस की चीज़ें आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। दोस्तों अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके प्रॉस की। तो सबसे दोस्तों सबसे अच्छा प्रॉस जो मुझे इसमें देखने को मिला, इसकी ओवरऑल डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, इसकी ओवरऑल डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी छोटा सा है इसलिए काफ़ी हैंडी है हाथ में, तो अगर आपको इधर उधर लेके जाना है तो उस हिसाब के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट से डिज़ाइन दिया है और पतला होने के कारण आपको कैरी वैरी करने में भी ईजी रहता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसकी जो ओवरऑल प्लास्टिक है, जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है, वो काफ़ी हाई क्वालिटी मटेरियल है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, चाहे वो आपका कीबोर्ड की बात हो, चाहे वो आपका ट्रैक पैड हो, चाहे वो आपका ओवरऑल ऊपर की इसकी फिनिश हो, ये ओवरऑल फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी सॉलिड बिल्ड लगता है। और कंपेयर करें आपके ASUS या लिनोवो के लैपटॉप से जो आपको इसी रेंज में मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से उसके कंपैरिजन में मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। इसमें काफ़ी हाई क्वालिटी प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, तो ये इनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देता है। तो दोस्तों दूसरा प्रॉस इसका जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है इसका साउंड। दोस्तों इसमें आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं 2 वाट के, और इसका जो साउंड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी, बहुत ही लाउड है मैं कहूँगा। और क्वालिटी के हिसाब से ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक है। अगर आप इसको मैक्सिमम वॉल्यूम पे चलाएंगे तो आपको एक थोड़ी सी क्रैकलिंग नॉइज जो होती है देखने के लिए वो मिलती है, और आवाज़ जो है वो भरभराने लगती है अगर आप इसको 100 पे चलाएं तो, फुल वॉल्यूम पे चलाएं तो। लेकिन लाउडनेस की बात करी जाए तो वो बहुत अच्छी है, आवाज़ काफ़ी तेज़ है और बहुत अच्छी साउंड देता है, तो अगर आपको नॉर्मल कॉल्स वॉल्स करनी है उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हाँ, अगर आप म्यूज़िक हाई वॉल्यूम पे सुनते हैं तो उसमें थोड़ा सा आवाज़ आपकी भरभराने लगती है अगर आप बहुत हाई वॉल्यूम में चलाएं तो। दूसरी ये चीज़ इसकी दोस्तों मुझे बहुत अच्छी
लगती है वो है इसका ड्राइवर सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये एचपी का लैपटॉप है और एचपी के जितने भी आपकी रेंज है वो सारी रेंज के लिए उन्होंने ड्राइवर सपोर्ट पहले से ही अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करके रखा हुआ है। तो अगर आप विंडो वगैरह चेंज करते हैं या फिर विंडो को रिफ्रेश करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आपका उड़ जाता है, तो आपको बहुत ही बढ़िया सपोर्ट देखने को मिलता है। आपको बस विंडो इंस्टॉल करनी है और सारे सॉफ्टवेयर इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने आप ही इंस्टॉल कर लेता है और आपको ज़रा सा भी दिक्कत की बात नहीं होती। तो आपको अपने आप कोई भी मेहनत वेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस हिसाब से देखिए दोस्तों तो ये काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों एक और जो मुझे अच्छी बात लगती है इसमें वो है इसके पोर्ट्स। अब पोर्ट्स की बात करें तो इसमें जरूरत भरे के सारे पोर्ट्स दे रखे हैं। यहाँ पे आपको मिलता है USB 3.1 पोर्ट, यहाँ पे SD पोर्ट, SD कार्ड पोर्ट, और साथ में इसमें मिलता है आपको ईयरफोन का स्लॉट, यहाँ पे लॉक का स्लॉट। और अगर इस तरफ देखें तो इस तरफ आपको ज़रूरत के सारे पोर्ट है। लैन पोर्ट है आपका, आपका VGA केबल का भी पोर्ट है, HDMI सपोर्ट है, USB टाइप सी केबल भी आप इसमें लगा सकते हैं। और USB टाइप सी अगर आपका चार्जर है आपके पास 65 वॉट के आसपास का मोबाइल में जो चार्जर आते हैं तो उसको लगा के आप लैपटॉप के चार्जर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास नॉर्मल चार्जर नहीं है तो। ये जो इसकी बातें हैं दोस्तों, ये बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो एक और भी इसकी अच्छी बात मुझे लगती है वो है इसका फ्रंट कैमरा। इसमें जो दोस्तों फ्रंट कैमरा दिया गया है उसकी ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मेगापिक्सल्स तो उतने अच्छे नहीं है, पर अगर आप जूम कॉल्स वगैरह करते हैं और आपको ज़्यादा बिजनेस कॉलिंग की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये लैपटॉप के फीचर काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मैंने जो बाकी लैपटॉप देखे थे Asus का भी जो मैंने रिव्यू किया था, उसके कैमरा क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन इसमें आपको कैमरा क्वालिटी काफ़ी सही मिलती है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी रहती है। तो ये आपका नॉर्मल कॉलिंग के लिए, बिजनेस यूजेज के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों ये थे इसके प्रॉन्स। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसकी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती वो है इसका डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है वो पता नहीं इन्होंने क्या सोच के ये लगाया है, और ये आपका कम से कम 10 साल पुराना डिस्प्ले है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपका HP का G4 Pavilion G6 लैपटॉप भी इस्तेमाल किया था जो कि मैंने 7-8 साल पहले ख़रीदा था, और उन लैपटॉप में भी इससे बेटर डिस्प्ले दिया गया है। तो मैं पता नहीं क्या सोच के HP वालों ने ये सेम डिस्प्ले इसमें लगा के दिया है। तो इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करी जाए तो दोस्तों इसमें आपको नॉर्मल 1366x768 डिस्प्ले पैनल मिलता है, और ये अगर आप थोड़ा नीची रेंज का लैपटॉप लें किसी और कंपनी का, चाहे वो लिनोवो हो, चाहे वो Asus हो, चाहे वो डेल हो, तो उसमें भी आपको 1920x1080p वाला फुल HD डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इसमें आपको वो देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ ही दोस्तों इसका पैनल के पिक्सल्स तो काफ़ी कम है ही, और इसके साथ ही उनकी कलर क्वालिटी भी बहुत ख़राब है। कलर रिप्रोडक्शन देखा जाए तो बहुत ही ख़राब है। मैंने दोनों का कंपेयर किया, मैंने बाकी लैपटॉप्स का इसके साथ कंपेयर किया, तो इसका कलर रिप्रोडक्शन बहुत ख़राब है, और इसमें ना ही आपको एंटी ग्लेयर वगैरह मिलता है। तो अगर आप नॉर्मल काफ़ी देर तक यूज़ करते हैं इसको, 2-3 घंटे तक लगातार यूज़ करते हैं, तो आँखों में काफ़ी दर्द वर्द हो जाता है भाई, तो आंखें फोड़वानी हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। तो अगर आपको नॉर्मल डिस्प्ले बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करना है तो उसके लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये लैपटॉप लें, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी आंखों को चुभता है और कलर रिप्रोडक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है। व्यूइंग एंगल्स की बात करी जाए तो व्यूइंग एंगल्स भी इसके ख़राब है। आप ज़रा सा भी हल्का सा टेढ़ा करके देखिए तो उसमें आपके सारे कलर्स ख़राब हो जाते हैं और बिल्कुल अच्छी कलर क्वालिटी नहीं आती। तो ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है दोस्तों, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे, और ये पता नहीं HP ने क्या सोच के इसमें दिया है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। दूसरी चीज़ दोस्तों मुझे इसकी जो नहीं अच्छी लगी, इसमें दोस्तों आपको मिलती है केवल 500 GB की इंटरनल स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बाकी लैपटॉप लें तो उसमें आपको 1 TB तो मिलती है। साथ में जो मैंने Asus का लैपटॉप रिव्यू किया था उसमें उन्होंने 1 TB मेमोरी के साथ साथ आपका इंटेल ऑप्टेन बूस्टर भी दिया था जिससे आपको थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस मिल पाए, लेकिन HP ने पता नहीं क्या सोच के इसमें केवल 500 GB मेमोरी दी है, और जो कि आजकल के लैपटॉप के हिसाब से बहुत कम है। कम से कम 1 TB तो देना ही चाहिए था, और उसके साथ साथ दोस्तों ना ही इसमें इंटेल ऑप्टेन बूस्टर वगैरह है या कुछ है। हालाँकि मैंने नेट पे देखा था तो उन्होंने इसका एक और वर्जन लॉन्च किया है जिसमें वो 1 TB स्टोरेज दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस प्राइस पॉइंट पे इस लैपटॉप को देखा जाए जो HP का प्रो बुक सीरीज का ये लैपटॉप है उसमें केवल 500 GB मेमोरी मिलती है, तो ये काफ़ी कम है आजकल के लैपटॉप को देख के। तो ये दूसरी चीज़ें दोस्तों जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे। तो दोस्तों एक जो इसकी चीज़ है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। जी हाँ दोस्तों, देखने के लिए तो इसमें बिल्कुल फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं इसने इनका सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया या फिर क्या किया है, ये काम ही नहीं करता है। तो फिंगरप्रिंट पता नहीं भाई क्यों फालतू में दे रखा है अगर ये काम ही नहीं करता है। तो मैंने इसके ड्राइवर्स भी सर्च करने की कोशिश करी तो ना ही इसके ड्राइवर मिलते हैं और ना ही ये वैसे ही काम करता है, जबकि मैंने विंडोज़ जो है वो जो डिफ़ॉल्ट विंडोज़ पड़ी हुई मिलती है मैंने वही विंडोज़ रखी हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इसमें ड्राइवर ना हटाए हैं ना डाउनलोड किए, लेकिन तब भी आपका फिंगर
फिंगरप्रिंट स्कैनर आपका जब से मैं खरीद के लाया हूँ तब से ये काम नहीं कर रहा है, तो ये मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों ये काहे के लिए दिया गया है, फिलहाल ये काम नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, मुझे एक और जो चीज़ की अच्छी नहीं लगती, इसका जो आपका डिस्प्ले है, इसके जो साइड के बेजल्स हैं, जी हाँ दोस्तों, इसके डिस्प्ले में काफ़ी बड़े बड़े काफ़ी चौड़ा चौड़ा से बेजल्स दिए गए हैं, और ये इस टाइप के बेजल्स जो हैं, इस टाइप के डिस्प्ले HP पवेलियन G4 के टाइम पे आते थे, और वो करीब 6-7 साल पुराना तो हो ही गया है, 6-7 साल पुराने लैपटॉप में इस टाइप के बेजल्स आते थे और ये अभी भी तक इन्होंने दिए गए हैं। अगर आप बाकी डेल का और या फिर एसुस का या फिर लिनोवो का लैपटॉप लें तो उसमें आपको काफ़ी थिन बेजल्स मिलते हैं और 15.6 इंच का डिस्प्ले भी मिलता है, इसमें आपका 13 इंच का डिस्प्ले है, तो आपको वहाँ पर बेटर डिस्प्ले मिल रहा है, बेटर कलर रिप्रोडक्शन भी मिल रहा है और साथ में थिन बेजल्स मिल रहे हैं, तो ओवरऑल उसमें व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। प्लस उसमें आपको बेसिक लेवल का ग्राफिक कार्ड मिलता है तो आप गेमिंग भी कर सकते हैं, और इसमें आपको बिल्कुल इंटीग्रेटेड जो इंटेल का 620 ULT ग्राफिक कार्ड होता है वो मिलता है, तो इसमें आप गेमिंग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस केस में दोस्तों मुझे ये HP का लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। अब दोस्तों अगर बात करी जाए इसके ओवरऑल वर्डिक्ट की कि इसे आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा अगर आपके पास बाकी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं पहले से, अगर आप बिल्कुल ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है कि आपको HP का ही लैपटॉप चाहिए, तो दोस्तों मैं बिल्कुल आपसे एक रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको HP स्पेसिफिक चीज़ों में नहीं जाना है तो आप दूसरे ब्रांड्स भी देख सकते हैं, जैसे एसुस है, लिनोवो है, तो उन सारे जो ब्रांड्स हैं उन सारे ब्रांड्स में इससे बेटर फीचर्स मिल रहे हैं और इससे कम प्राइस पे भी मिल रहे हैं दोस्तों, वो आपको एक बेटर डील देंगे बेटर फीचर्स के साथ, और उसमें जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा वो ओवरऑल एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि उन लोगों की उनकी बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो बिल्ड क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं रहती है, बिल्ड क्वालिटी में ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन दोस्तों ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको फिर भी इस लैपटॉप से काफ़ी बेटर मिलेगा उन लैपटॉप्स में। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई पीछे से फोर्स ना कर रहा हो केवल HP का यही लैपटॉप लेने के लिए तो बिल्कुल भी ना लें, और आप केवल कोई एसुस का या लिनोवो का या फिर कोई और ढंग का लैपटॉप ले लें डेल का, क्योंकि इससे कम रेंज में और बाकी सारे बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप आपको मिल जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ही स्पेसिफिक हैं और आपको HP का ही लैपटॉप चाहिए तो ही आप ये लैपटॉप लें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं अब मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।